हर तन पर हो साफ सुथरा कपड़ा। इसी मकसद से रामपुर बुशहर प्रशासन एक नई अनूठी पहल शुरू कर रहा है। इसके तहत समूचे क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों को तन ढकने के लिए साफ सुथरे कपड़े उपलब्ध करवाए जाएंगे। SDM रामपुर बुशहर सुरेंद्र मोहन ने कहा कि आवश्यकता को देखते हुए प्रशासन की ओर से परिसर में कपड़ा बैंक स्थापित किया जाएगा। उन्होंने शहर के व्यापारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जनता से अपील की है कि वे पुराने साफ सुथरे कपड़ों को जरूरतमंद लोगों के इस्तेमाल के लिए इस कपड़ा बैंक में दान करें। इसका उपयोग विशेष रूप से प्रवासी और गरीब व्यक्तियों की मदद के लिए किया जाएगा। अभी हमने हाल में ही एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम का हम नाम रखा है हर तन पे हो साफ सुथरा कपड़ा, कि जो मानव शरीर है उसके पास एक साफ सुथरा कपड़ा हो, कोई भी साफ सुथरे कपड़े से वंचित ना हो। ऐसे नीडी लोगों की ज़रूरत को देखते हुए हमने एक कपड़ा बैंक की शुरुआत करने की यहाँ पर अभी शुरुआत की है। तो उसमें मेरी सभी लोगों से अपील है कि आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा जो साफ़ सुथरा हो, आप उसको धो के आपने रखा हो परंतु आपके यूज़ का नहीं है, छोटा हो गया है ना, तो ऐसे कपड़े आप कपड़ा बैंक को दान कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में आकर, SDM ऑफिस में आकर आप यहाँ पर जिसको इंचार्ज बनाया गया है उसको सौंप सकते हैं। ऐसे कपड़े हम कपड़ा बैंक के माध्यम से, जो जितने भी हमारे पास माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जिन कपड़े की ज़रूरत होगी, सफिशेंट क्वांटिटी कपड़े नहीं होते उनके पास, वो गंदे कपड़े पहन के रखते हैं, हम उनको सौंपेंगे ताकि जो हमारे घर में एक फालतू की जो चीज़ पड़ी है, जो आपके उपयोग की नहीं है, वो एक जिसको ज़रूरत है उसकी उस तक पहुँच सके। इसकी हमने शुरुआत अभी कर ली है और इसका एक जो विधिवत शुभारम्भ है वो हम आने वाले समय में करेंगे। SDM सुरेंद्र मोहन ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना के मामलों में तो कमी आ रही है, लेकिन अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लापरवाही के चलते कोरोना फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए सभी को कोविड नियमों की अनुपालना करना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं उपमंडल की जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सभी के सहयोग से जो कोरोना का ग्राफ है उपमंडल में काफ़ी गिरा है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करूँ तो हमने लगभग एक हफ्ते में लगभग 5,000 टेस्ट करवाए हैं और सिर्फ 101 45 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज के दौर में मैं अगर देखता हूँ जो हमारा जो एक्टिव केसेस का जो एक आंकड़ा हमारे पास रहता है, पिछले 14 दिन में हमारे पास टोटल 101 लोग ही पॉजिटिव आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा टेस्ट करवाने के बाद भी लगभग बहुत कम लोग पॉजिटिव आए हैं और डेली उपमंडल में लगभग 350 से 400 लोगों का टेस्ट हो रहा है, जिसमें से जो हमारा आंकड़ा अभी रह रहा है, जो पॉजिटिविटी रेट है, दैट इज़ अराउंड 1%। कई बार तो अभी दो दिन पहले अब लगभग हमने 400 टेस्ट हुआ थे, कोई बंदा पॉजिटिव नहीं आया था। पिछले कल भी लगभग 400 टेस्ट हुए हैं तो 9 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना लगभग ख़त्म हो गया है, उपमंडल में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बीच बीच में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अभी भी हमें एहतियात लेने की आवश्यकता है, हमें पूर्ण सावधानी लेने की आवश्यकता है। अभी भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, कहीं भी भीड़ वाला क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मास्क पहन के जाना है, अपने हाथों को कंट्रोल में रखना है, हमारे हाथ इधर उधर किसी भी चीज़ को बेवजह ना छुएं, तो हमें ये सब सावधानियाँ बरतनी है और सामाजिक दूरी का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है।